Cause I just wanna go, go, go to the deep end. हरवान, कदरवान, सहवान, टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। आज करेंगे बेस्ट स्मार्टफोन्स अंडर 20,000। अगर आप सितंबर के महीने में 15,000 से 20,000 के बीच में कोई फोन ढूंढ रहे थे, डोंट वरी, मैं है ना रे आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। इधर मैं यहाँ पर आपको जो भी स्मार्टफोन्स बताऊंगा इनमें मिनिमम 6 GB की रैम होगी और 128 GB स्टोरेज होगी। रीजन, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप 15,000 से ऊपर स्पेंड कर रहे तो एटलीस्ट, मतलब 4 GB वैसे मिनिमम रहती है, लेकिन फिर भी 6 GB रैम हो तो और अच्छा है, लेकिन स्टोरेज 128 GB तो होने ही चाहिए। और यही देखकर मैंने ये सारे फोन्स यहाँ पर पिक किया हूँ। अब सबसे पहला जो फोन है, हम हाईएस्ट से लोवेस्ट जाएंगे, वो आता है आईक्यू का Z3 5G। ये 20,000 से स्टार्ट होता है, 6 GB रैम, 120 GB स्टोरेज। आप चाहो तो उसका हायर वाले भी टेस्ट कर सकते हैं। इसके अंदर दोस्तों आपको मिलता है Qualcomm Snapdragon 768G वाला 5G चिपसेट, और ये पहला फोन था और अभी भी इकलौता फोन है जिसमें आपको ये चिपसेट मिलती है। एक बहुत ही अच्छी चिपसेट है जिसमें गेमिंग आपकी बहुत अच्छी होगी और साथ ही साथ UFS 2.2 स्टोरेज, LPDDR4X रैम सपोर्ट है, फंटो चोवेस वगैरह चलता है, तो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस ठीक है और डे टू डे लाइफ का यूसेज आपका इसमें बहुत अच्छा होगा। साथ में आपको हाईर रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले मिलती है 120Hz की, और उसी के अलावा दोस्तों पीछे आपको 64MP कैमरा मिलता है जिसमें सैमसंग सेंसर है, GW3 f1.8 अपर्चर है, 4K वीडियो आप शूट कर सकते हैं और भी बहुत सारे कैमरे में फीचर्स मिलते हैं, 16MP सेल्फी है और कैमरे के जो फोटोज थे वो अच्छे थे। हमने जब अनबॉक्सिंग किया था, हमने टेस्टिंग की थी, तो प्राइस के हिसाब से अच्छे फोटोज आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। 4400mAh की आपको बैटरी मिल जाती है और साथ ही साथ 55W आपको फास्ट चार्जिंग मिलती है और फास्ट चार्जर भी आपको बॉक्स पर मिल जाता है। तो मुझे लगता है कि 20,000 की रेंज में अगर आपको एक 5G चिपसेट चाहिए, प्रायोरिटी आपकी गेमिंग है, फास्ट चार्जिंग वगैरह है, बढ़िया डिस्प्ले और अच्छा कैमरा, तो 20,000 में आप इसको जाके चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद ये वाला एवरग्रीन फोन है, मतलब हर बार जब भी हम आपको 15,000 से 20,000 की रेंज के बारे में बताएंगे ये फोन तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। ये है दोस्तों पोको X3 Pro, 19,000 से स्टार्ट होता है, 6 GB रैम, 120 GB स्टोरेज। अगर आपको इसके बारे में और डिटेल में जानना है, हमने इसके ऊपर एक पूरा रिव्यू किया है, उस वीडियो को आप जरूर से देखना, लेकिन स्टिल आपको बता दूं Qualcomm Snapdragon 860 एक फ्लैगशिप चिपसेट है, परफॉर्मेंस एकदम कमाल की आपकी यहाँ पर होगी, साथ ही साथ UFS 3.1 स्टोरेज है और आपको LPDDR4X रैम सपोर्ट है, उसी के अलावा हाई रिफ्रेश रेट 120Hz की आपको IPS डिस्प्ले मिलती है, रियर में 48MP कैमरा है, 20MP सेल्फी है और कैमरा दोस्तों अच्छा है। प्राइस के हिसाब से ऑप्टिमाइजेशन मुझे यहाँ पर थोड़ी ठीक लगी थी, 5160mAh की बैटरी और 33W आपको फास्ट चार्जिंग वगैरह भी मिलता है। हाँ, बस सॉफ्टवेयर थोड़ा ठीक ठाक है, वहाँ पर आपको कॉम्प्रोमाइज करना है, लेकिन परफॉर्मेंस आपकी प्रायोरिटी है, सिर्फ परफॉर्मेंस, इससे बेहतरीन फोन आपको इस प्राइस पर नहीं मिलेगा। उसके बाद दोस्तों इस वाले फोन को बिल्कुल भी मिस नहीं करूंगा, ये एकदम लेटेस्ट स्मार्टफोन है, ये है Realme 8S 5G। 18,000 से स्टार्ट होता है, 6 GB रैम, 120 GB स्टोरेज। देखिए दोस्तों, मैं मानता हूं प्राइस थोड़ी ज्यादा है, जब मैंने पोल भी देखा था तो आप लोगों ने बोला था कि प्राइस ज्यादा है और इसको मैं अग्री भी करता हूं, लेकिन दोस्तों चिपसेट इसकी बहुत अच्छी है, मानो या ना मानो। आपको मिलता है Dimensity 810 5G चिपसेट, ये इंडिया का और पूरे वर्ल्ड का पहला फोन है जो इस चिपसेट के साथ आता है, और इस प्राइस सेगमेंट में भी दोस्तों ये पहला फोन है जो 6nm वाली चिपसेट के साथ आता है। इसके अंदर दोस्तों जो परफॉर्मेंस होगी वो आपकी बहुत कमाल की होगी, आप हाई ग्राफिक्स पर गेम्स खेल सकते हैं और सबसे कमाल की चीज जो है वो Dimensity वाले जो चिपसेट होती है वो इतना ज्यादा हीट नहीं होती। मैंने प्रीवियसली भी बहुत टेस्टिंग किया, तो वो चीज अगर आपके दिमाग में है तो आप इस वाले फोन को कंसिडर कर सकते हैं। आपको हाईर रिफ्रेश रेट वाली 90Hz की IPS डिस्प्ले मिल जाती है, वैसे मैंने पहले बोला था कि 120Hz होता तो और बेटर होता, लेकिन स्टिल डिस्प्ले अच्छा है। उसके अलावा आपको 5000mAh की बैटरी है और साथ में 33W आपको फास्ट चार्जिंग मिलती है, तो यहां पर कोई शिकायत नहीं है। पीछे की तरफ आपको 64MP कैमरा है और साथ ही साथ 16MP सेल्फी है। कैमरा ठीक ठाक है, मैंने कंप्लेंट किया था, वो सॉफ्टवेयर के थ्रू इंप्रूव हो सकता है और सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस भी ठीक रहेगा, रियलमी UI 2 वगैरह तो आपको पता है अच्छा चलता है। वैसे UFS 2.1 स्टोरेज, LPDDR4X रैम सपोर्ट, इसको बोलना नहीं चाहिए, ये भी मिलता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस आपकी प्रायोरिटी है, बड़ी बैटरी और फास्ट चार्जिंग वगैरह, आप इसको भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। उसके साथ साथ 18,000 में एक और ऐसा फोन है जिसको हम कभी भूल नहीं सकते, मैं मानता हूं उस पर प्राइस बढ़ गई है लेकिन स्टिल ये वर्थ है। मैं बात कर रहा हूं Redmi Note 10 Pro की, 6 GB रैम, 120 GB स्टोरेज। सबसे बढ़िया चीज इसमें यह है कि आपको बड़ी डिस्प्ले मिलती है 6.67 इंच की फुल HD प्लस वाली, लेकिन ये एक AMOLED डिस्प्ले, जी हाँ, 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ है। ये पहला ऐसा फोन है दोस्तों जो आपको हाई रिफ्रेश रेट भी दे रहा है इतनी, और AMOLED डिस्प्ले, Gorilla Glass 5 की आपको डिस्प्ले पर प्रोटेक्शन भी मिलती है और डिस्प्ले एक्सपीरियंस इसमें आपको बहुत अच्छा होने वाला है। Qualcomm Snapdragon 732G चिपसेट,
कमाल की आपको मिलती है। उसी के साथ साथ आपको पीछे 64 मेगापिक्सल कैमरा मिल जाता है, सैमसंग GW3 सेंसर है, 16 मेगापिक्सल आपको सेल्फी है, 5020 एमएच की बैटरी है, बैटरी भी बड़ी है और 33 वॉट आपको फास्ट चार्जिंग वगैरह मिलती है। और उसके अलावा सॉफ्टवेयर जो है बस वही एक चीज है जिसको आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना, लेकिन ओवरऑल दोस्तों मुझे लगता है कि ये भी एक वैल्यू फॉर मनी फोन है जिसको आप 18,000 में जाके चेकआउट कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों ये स्मार्टफोन क्यों इतना अंडररेटेड है यार, मैं बात कर रहा हूं मोटरोला G60 की। 18,000 में आपको मिलता है 6GB रैम, 120GB स्टोरेज, 108 मेगापिक्सल कैमरा है रियर के अंदर और फोटोज काफी शार्प होते, बहुत अच्छे होते हैं। और साथ ही साथ आपको 32 मेगापिक्सल सेल्फी है, यहाँ पर सेल्फी भी बहुत अच्छी आती है, उसमें भी कोई कंजूसी नहीं है। देखिए बहुत फ्यू फोन्स ऐसे थे जिनकी मैंने कैमरे की तारीफ किया था इस प्राइस रेंज में, उनमें से मोटो G60 है, आप जाके मेरे वीडियोस देखना आपको पता चलेगा। साथ ही साथ दोस्तों क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 732G बहुत ही इंटरेस्टिंग चिपसेट है, काफी फोन्स में हमने टेस्ट किया है, बहुत अच्छे गेम्स आप इसमें मतलब हाई ग्राफिक्स पर सेट करके खेल सकते हैं और ज्यादा हीट भी नहीं होता है, तो बैटरी इफिशियंट भी है ये। और उसी के अलावा आपको 6000 एमएच की बैटरी, कोई कंजूसी यहां पर भी नहीं, 20 वॉट आपको टर्बो चार्जर बॉक्स में मिलता है और बड़ी डिस्प्ले 6.78 इंच की फुल एचडी प्लस की एक आईपीएस डिस्प्ले और यहां पर भी आपको हाईर रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज मिलता है। तो हर कैटेगरी में दोस्तों ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फोन है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस आपको बढ़िया चाहिए तो आप इस वाले फोन को जाके चेकआउट कर सकते हैं। और फाइनली दोस्तों आता है Realme Narzo 35G 17,000 में, 6GB रैम, 120GB स्टोरेज, बड़ा चुन के मैंने निकाला हूं क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन है ज्यादा मिल नहीं रहा था, लेकिन स्टिल ज्यादा स्टोरेज ज्यादा रैम। सबसे पहली चीज जिस रीजन से मैं आपको ये फोन रेकमेंड कर रहा हूं वो है इसकी परफॉर्मेंस, Dimensity 700 5G चिपसेट, परफॉर्मेंस कमाल की आपके यहां पर होगी, गेमिंग सब कुछ बढ़िया होने वाला है, हाईर रिफ्रेश रेट वाली 90 हर्ट्ज की आपको इसमें एक आईपीएस डिस्प्ले मिलती है, 48 मेगापिक्सल रियर कैमरा है, 16 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा ठीक ठाक है और आपको बड़ी बैटरी मिलती है 5000 एमएच की बैटरी और 18 वॉट चार्जिंग है। हालांकि चार्जिंग थोड़ी कम है लेकिन स्टिल दोस्तों आप थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं और सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस रियल में UI 2 वगैरह चलता है तो वहां पर कोई वैसे ज्यादा इश्यूज नहीं है। तो अगर आपकी प्राइस 17,000 की वहां पर आप अटक गए, आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप इसको चेकआउट करिए, परफॉर्मेंस में आपको बहुत ही मजा आएगा। और रुकिए दोस्तों, ऑनरेबल मेंशंस की बात कर लूं तो मैं इस वाले स्मार्टफोन को इसलिए डाल रहा हूं क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फोन है, 8GB की रैम और 256GB स्टोरेज, कोई नहीं दे रहा इस प्राइस पर इतना ज्यादा रैम और इतनी ज्यादा स्टोरेज, मैं बात कर रहा हूं इन्फिनिक्स की नोट 10 प्रो की। यहां पर 17,000 रुपए की प्राइस है, इसमें है मीडियाटेक हीलियो G95 चिपसेट, अच्छी है, साथ ही साथ UFS 2.1 स्टोरेज, LPDDR4X रैम सपोर्ट, ये भी बहुत अच्छा है, बड़ी डिस्प्ले 6.95 इंच की मतलब ऑलमोस्ट 7 इंच की आपको फुल एचडी प्लस की एक आईपीएस डिस्प्ले, इस पे आपको 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट मिलता है तो आपको हाईर रिफ्रेश रेट भी यहां पर मिल जाता है। वैसे आपको 5000 एमएच की बैटरी है, फास्ट चार्जिंग वगैरह भी उन्होंने दे दिया है 33 वॉट का, जो एक अच्छी बात है और साथ ही साथ आपको 64 मेगापिक्सल रियर कैमरा है और 16 मेगापिक्सल आपको सेल्फी मिलती है। ओवरऑल देखा जाए तो सारे कैटेगरी में दोस्तों ये ऊपर निकल कर आता है, बस सॉफ्टवेयर जैसे कि मैंने कहा मुझे इनका इतना ज्यादा पसंद नहीं आता है, वहां पर आप थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा रैम ज्यादा स्टोरेज ये एक बहुत ही बढ़िया चीज है। तो ये वो सारे फोन्स थे जो मुझे ऐसा लगता है कि ये वैल्यू फॉर मनी है, अगर आप 15 से 20,000 के बीच में फोन लेने के लिए निकल रहे थे, कंफ्यूज्ड थे, तो आप इनको चेकआउट करिए, डिस्क्रिप्शन में इनकी मैंने लिंक दे दिया। वैसे ही दोस्तों हर प्राइस कैटेगरी में आपके लिए हर महीने में ऐसे ही वीडियोस लाता रहूंगा, सब्सक्राइब करके बने रहिए, वीडियो पसंद आएगी लाइक करिए, तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।